देखो लोग तो लिकर पीते ही रहेंगे, उसकी कंजम्पशन बढ़ती भी रहेगी। तो एज इन्वेस्टर्स क्या लिकर कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेंस बनता है, और लिकर इंडस्ट्री है कैसी? वेल, आज इस वीडियो में आपको सब पता चलने वाला है। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyal. I am an investor trainer and maintain stock market. Raj, हम दारू की बात करने वाले हैं। We are going to talk about the liquor industry. But इसके पहले एक disclaimer है। हो सकता है कि आप उन investors में हो जो liquor industry, tobacco industry, weapons industry, defense यहाँ पे invest करना पसंद ना करते हो, which is fine and I respect your choice. But मेरा काम है यहाँ पे deeply sectors को analyze करना and बहुत लोग liquor industry में interested हैं. So here it goes. And मैं किसी भी हालत में liquor consumption को promote नहीं कर रहा हूँ. It is your own choice. अब हिंदुस्तान लिकर का लार्जेस्ट मार्केट नहीं है इन द वर्ल्ड, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है। बट ये भी वेल नोन फैक्ट है कि इंडिया में लिकर इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, इन 2005 हमारी लिकर की कंजम्पशन थी ऑफ 2.4 लीटर्स एंड इन 2016 अब हो गई है 5.7 लीटर्स। 2004 से 2016 तक लेके लिकर कंजम्पशन हैज मोर देन डबल्ड। सो ग्रोथ एंगल इज गुड बिकॉज इसी कंजम्पशन विद टाइम ग्रो करती ही रहेगी। जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, एक ड्रिंकिंग कल्चर आ गया है, तो ये ग्रो करेगा ही। हम इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी खबर, बट हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक बहुत इजी तरीका स्टेट्स को मिल गया है कि लिकर बैन कर दो, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। ये पूरी इंडस्ट्री बहुत हाईली गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहती है, दैट इज वन प्रॉब्लम। आई टेल यू फैक्ट, जो आप लिकर कंज्यूम कर रहे हो, अब सपोज वो 100 रुपीज की बॉटल है ना, उसमें से 70 रुपीज आप टैक्स को दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो, एंड फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स द सेल ऑफ लिकर ना उनके लिए बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। बट सेइंग दिस, जो इंडियन लिकर कंपनीज है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो बाहर एक्सपोर्ट भी करती हैं और ये कंपनीज भर भर के पैसा छाप रही हैं। अभी इंडस्ट्री को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है IMIL, which is Indian made Indian liquor. ये कैटेगरी में वो ड्रिंक्स आएंगी जो लोकली मेड होती हैं, जैसे गोवा में फैनी बनती है, महुआ बनता है, बिहार, बंगाल, झारखंड में जो देसी दारू होती है वो इस कैटेगरी में आती है। अफकोर्स ये बहुत ही अनरेगुलेट स्पेस आती है, बिकॉज बहुत ऐसी ब्रूरीज हैं, अब उनको पता नहीं मैं ब्रूरीज भी बोलता नहीं बोलता हूँ, जो देसी दारू बना रहे हैं जो IMIL के अंडर आता है और वो किसी भी हालत में रेगुलेटेड नहीं है। तो दैट इज वन चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही है, बिकॉज ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड हो जाता है पॉपुलेशन के लिए। बट जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको लिखते हैं IMIL। सेकंड कैटेगरी आती है IMFL, विच इज इंडियन मेड फॉरेन लिकर। सो एनी लिकर जो हो सकता है इंडिया में ही ग्रो हो और इंडियन इंग्रेडिएंट्स ही बनी हो, बट वो लोकल मेड ड्रिंक्स में नहीं आती है, वो फॉल करती है इन द कैटेगरी ऑफ IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? इसमें यू विल हैव रम, ब्रांडी, विस्की, वॉडका, जिन, सब इसके अंडर आएगा। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया की विस्की इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, इट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है इंडिया में सबसे पॉपुलर विस्की कौन सी है? मैकडॉनल्ड्स नंबर वन, और ये यूनाइटेड स्पिरिट्स की ब्रांड है, बट स्टॉक्स की बाद में बात करते हैं, अभी इंडस्ट्री को बताता हूँ। थर्ड कैटेगरी आती है बियर की, एंड इंडियंस लव बियर। अब इस कैटेगरी में मोस्टली स्ट्रॉन्ग बियर्स आती है, बिकॉज पूरे इंडिया में स्ट्रॉन्ग बियर्स का कंजम्पशन काफी ज्यादा है, एंड स्ट्रॉन्ग बियर्स वो होती हैं जिनमें एटलीस्ट 8% लिकर कंटेंट हो। बट जो बियर कैटेगरी है इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, ब्रूरीज, जो भी बियर कैटेगरी होती है वो सब इसके अंडर आती है। एंड बियर में तो हमारे पास एक ही डोमिनेंट फोर्स है, किंगफिशर, उसकी भी स्टॉक्स में बात करेंगे। और फोर्थ कैटेगरी आती है वाइन की। वाइन में आ जाएगा रेड वाइन, व्हाइट वाइन और रोज वाइन। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रोज वाइन आई थिंक इज अ मिक्स ऑफ रेड एंड व्हाइट वाइन। एंड इंडिया में भी वाइन मार्केट काफी बड़ा हो रहा है, स्पेसिफिकली इन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, एक वाइन कल्चर आ गया। एंड इस इंडस्ट्री में तो एक ही डोमिनेंट प्लेयर है, दैट इज सूला विनियर्ड्स, जिसका अभी रिसेंटली ही IPO आया था और उससे पूरी वीडियो भी बनाई थी। ये हो गया लिकर इंडस्ट्री, ये हो गई चार कैटेगरीज। अब मैं बात कर रहा हूँ लिकर स्टॉक्स की, किसकी क्या क्या ब्रांड्स हैं, कौन क्या क्या काम कर रहा है, इसका क्या फ्यूचर में प्लान है, और एंड में करेंगे इन सब का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एनालिसिस। अब पहली कंपनी वो है जो कंपनी जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वैट 69, एंटीक्विटी, सिग्नेचर, स्मिर्नॉफ, रॉयल चैलेंज, मैकडॉनल्ड्स नंबर वन, कैप्टन मॉर्गन सब बनाती है। ये कंपनी है दोस्त यूनाइटेड स्पिरिट्स, हिंदुस्तान की लीडिंग लिकर कंपनी है। एंड पूरी वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूंगा ना, जस्ट बाय द वॉल्यूम्स दिस कंपनी प्रोड्यूसेस, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी इन द वर्ल्ड। ये कंपनी कितनी डोमिनेंट है आपको इससे पता चलेगा। देन का मार्केट शेयर इंडियन स्पिरिट्स में है 25%, एंड विस्की का मार्केट शेयर इनका है 45%। और ये इतना मेजर क्यों है? बिकॉज पूरे इंडियन लिकर इंडस्ट्री का ना 60% सिर्फ विस्की है। डेट की बात करें तो इस कंपनी का डेट एकदम नेग्लिजिबल ही है, बहुत कम हुआ है विद टाइम, और ये भी तब जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन था। मैंने आपको इनकी पॉपुलर ब्रांड्स को बता दी, बट ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो में ना 80 ब्रांड्स हैं, एंड 80 में से 9 ब्रांड्स ऐसी हैं जो हर साल
10 लाख केसेस बेच रही है और एक ब्रांड वो है जो हर साल 2 करोड़ 50 लाख केसेस बेच रही है। अब ये कंपनी R&D में भी काफी आगे है। इन फाइनेंशियल 2022 इन्होंने क्या लॉन्चेस की हैं? इन्होंने निकाली है एपिडोम रिजर्व, रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड, गोडावन। इनका रिस्पांस काफी स्ट्रॉन्ग आया है और ये मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द फ्यूचर और ये और नई नई इनोवेटिव ड्रिंक्स ला रही है इन द पाइपलाइन। अब सेकंड कंपनी वो है जो कंपनी हिंदुस्तान में द गुड टाइम्स लेके आई। ये कंपनी किंगफिशर अल्ट्रा, किंगफिशर प्रीमियम, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर वीट, किंगफिशर बियर आती है। ये कंपनी है यूनाइटेड ब्रूरीज, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बियर मैन्युफैक्चर कंपनी है। डोमेस्टिक मार्केट में इसका बियर में 54% स्टेक है। एंड बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या है? ये कंपनी इज बैक्ड अप बाय हाइनेकिन। हाइनेकिन खुद एक बियर मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है एंड यूनाइटेड ब्रूरीज में उनका 72.4% स्टेक है, विच ऑटोमेटिकली शोज इस कंपनी की मैनेजमेंट इज नेक्स्ट लेवल। रही बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये 350 करोड़ और डाल रहे हैं अपनी पाइपलाइन में टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। एंड इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस महंगी हो गई है, डेफिनेटली इनको फर्क पड़ रहा है। बट बिकॉज ये डोमिनेंट फोर्स है, इनके पास है प्राइसिंग पावर और ये हल्के हल्के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं एंड ये भी बोल रहे हैं कि इंक्रीज करने के बावजूद ये अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके ही रखेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोविड में आप ले लीजिए, कोविड में जब इतना सप्लाई चेन का इशू हो गया था ना, इस कंपनी ने 3% से अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया। बट ये बोल रही है आने वाले टाइम में ये कंपनी और बढ़ने वाली है और 3% छोड़ो बहुत ज्यादा मार्केट शेयर और कैप्चर कर लेगी। थर्ड कंपनी वो है जो मैजिक मोमेंट्स, वर्ब वोडका, मॉर्फिस, मॉर्फिस ब्लू ब्रांडी, 8 PM, 8 PM प्रीमियम ब्लैक विस्की, रामपुर इंडियन सिंगल मॉन्ट, जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन, 1965 स्पिरिट विक्ट्री रम, आफ्टर डार्क विस्की, कॉन्टेसा रम एंड ओल्ड एडमिरल ब्रांडी, ये सारी बनाती है। ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट IMFL कंपनी है। ये कंपनी है नॉन अदर देन राडिको खेतान। इस कंपनी की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है बिकॉज ये कंपनी ना 1998 से शुरू हुई थी और उन्होंने शुरू किया था 8 PM विस्की से और इतनी सारी ब्रांड्स मैंने आपको बताई ना, अभी मैं आपको बताता हूँ इनकी मिलियनेयर ब्रांड्स। इनकी सबसे सेलिंग ब्रांड्स हैं कॉन्टेसा रम, 8 PM विस्की, ओल्ड एडमिरल ब्रांडी, मैजिक मोमेंट्स वोडका एंड 8 PM प्रीमियम ब्लैक विस्की। अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोल रही है। मैनेजमेंट इज वेरी वेरी अग्रेसिव। राडिको खेतान का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, दे वांट टू रेवोल्यूशनाइज, ये और आइडेंटिटी करना चाहते हैं और ये नई नई टाइप की ड्रिंक्स इंडियन मार्केट में लाना चाहते हैं बिकॉज दे फील यहाँ पे ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इनकी रीसेंट इनोवेशन ये रही है कि ये रेडी टू ड्रिंक मार्केट में आ रहे हैं। बेसिकली होता है ना कैंस में आप कॉकटेल है, यू कैन जस्ट सिंपली ड्रिंक इट, यू डोंट नीड एनी मिक्सर्स, ये उसमें आ रहे हैं। ये बना रहे हैं वोडका कॉकटेल्स जिसमें 4.8% अल्कोहल कंटेंट होगा। इसके अभी 3 फ्लेवर्स हैं, कोला, मोहितो, कॉस्मोपॉलिटन। ये शुरू कहां से हो रहा है? शुरू हो रहा है कर्नाटका से, फिर गोवा में स्टार्ट होगा, फिर महाराष्ट्र, फिर दमन दीव और फिर इन द कमिंग मंथ्स ये हल्के हल्के पूरे इंडिया में लाएंगे। और इनकी एंट्री बड़ी अच्छी है, ये फेस्टिव सीजन में एंटर कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी इन सब ड्रिंक्स का कंजम्पशन बहुत हाई है। अब इनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, अकॉर्डिंग टू हिम ना, जो इंक्लिनेशन रेडी टू ड्रिंक मार्केट की फॉर इंडियंस है वो हल्के हल्के बढ़ते ही जा रही है। और जैसे इन्होंने किया है इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिली है। मतलब ग्लोबल मार्केट में रेडी टू ड्रिंक मार्केट ना 2022 टू 2030 एक्सपेक्टेड है कि 13.4% CAGR में ग्रो करने वाला है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इस मार्केट का साइज है ऑफ 6400 करोड़, जो रेडिको खेतान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है टू मोनोपोलाइज इट। और ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है बाय इन्वेस्टिंग 750 करोड़। Why? उत्तर प्रदेश में बहुत ग्रोइंग डिमांड है एंड दे वांट टू मीट इट। बाय द वे अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो नीचे स्क्रॉल अप करोगे, लाइक, सब्सक्राइब और वो घंटी, तीनों एक साथ है, उनको तीनों के तीनों अभी प्रेस कर दो बिकॉज मैं ड्रिंक्स भी तो नहीं बट अच्छी इन्वेस्टमेंट हम चेयर्स जरूर करने वाले हैं। फोर्थ कंपनी है ग्लोबस स्पिरिट्स। ये कंपनी फाउंड हुई थी 1992 में। अब ये काफी कैटेगरीज में है। सबसे पहले ये है IMIL में, इंडियन मेड इंडियन लिकर में। इस मार्केट में ये काफी डोमिनेंट है। मतलब आप राजस्थान में ले लो, राजस्थान में 80% सेल्स इनकी IMIL की होती है एंड सिर्फ राजस्थान में इनका मार्केट शेयर है ऑफ 32-33%। तो उस स्टेट में तो बहुत डोमिनेंट है। प्लस ये फॉरेन लिकर भी बनाते हैं, प्लस ये फ्रेंचाइज बॉटलिंग करते हैं। व्हाट इज फ्रेंचाइज बॉटलिंग? बहुत FMCG ब्रांड्स होती हैं, OTC ब्रांड्स होती हैं जो इनके फैक्ट्रीज और सेटअप यूज करते हैं फॉर बॉटलिंग एंड जो सेंटर रहता है ना जिसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, ये कंपनी वो भी बनाती है। अब इस कंपनी की लीडरशिप ट्रेट्स ना काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज, ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसकी खुद की ग्रेन डिस्टिलरी है, विच इज ग्रेट। सेकंड,
ये ENA के हिंदुस्तान में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। एंड थर्ड, ये पाइनियर है बिकॉज इन्होंने IMIL कैटेगरी में, विच इज द इंडियन लिकर कैटेगरी, पहली बार ड्रिंक निकाली है विद ENA, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये भी कंपनीज अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है बाय 40% बाय डूइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 crores। वैसे एक चीज नोटिस किया है, इंडिया में लिकर इंडस्ट्री की इतनी डिमांड है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही चीज में हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, विच शोज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस इंडस्ट्री एक्चुअली इज। अब फिफ्थ कंपनी वो है जो कंपनी मेलांडरम, मैंशन हाउस ब्रांडी, ऐसी टाइप की लेबल्स प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी वो है जो 1933 से है। ये कंपनी है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इस कंपनी की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज 1933 में शुरू हुई थी, इट वॉज प्राइमरली अ शुगर मिल, बट 1987 में सरकार ने क्या किया कि सारी शुगर मिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रहेंगी, तो दे हैड टू गिव अप दैट बिजनेस एंड ये दूसरे बिजनेस फोकस करने लग गए ऑफ देयर लिकर बिजनेस। आज के दिन ये कंपनी ब्रांडी, विस्की, वॉडका, जिन सब बनाते हैं और इनकी मिलियनेयर ब्रांड जो बहुत पैसे कमा के देती है वो है मैंशन हाउस, और ये मैंशन हाउस ना इंडिया की सबसे ज्यादा सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी है। अब ये भी इनोवेशन के पीछे नहीं है, इन्होंने अपने ड्रिंक्स क्या इंट्रोड्यूस किए हैं, सबसे पहला मैंशन हाउस फ्लेवर्ड ब्रांडी, उसके बाद मैंशन हाउस रिजर्व्स, कि ये एक और पूरी फैमिली में जोड़े और उसको और प्रीमियम कैटेगरी में जाए, बिकॉज आप जितना प्रीमियम जाएंगे उतने आपके मार्जिन बढ़ते रहते हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ना, ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। वाई? सबसे पहला इनका फाइनेंशियल 2024 का टारगेट क्या है, तब तक ये डेट फ्री होना चाहते हैं। अब आजकल इन्फ्लेशन चल रहा है और प्रॉब्लम खराब है, सप्लाई चेन में इश्यूज हैं, बट उसके बावजूद लास्ट क्वार्टर इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर रहा है, इनके वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स रही है इस क्वार्टर और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स रहे हैं। अब करेंगे इन सारी कंपनीज का क्विक फाइनेंशियल कंपैरिजन। चलिए, तो जैसे आप देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल स्पिरिट्स डेफिनेटली सबसे ऊपर आता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, अगेन ग्लोबल स्पिरिट्स नंबर वन आता है। आरओई की बात करूं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हाईएस्ट। आरओसीई की बात करूं, ग्लोबल स्पिरिट्स हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, यूनाइटेड स्पिरिट्स आएगा ही आएगा इसमें। एंड अगर डेट इक्विटी की बात करूं, इन सबका डेट इक्विटी बहुत अच्छा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज का डेट इक्विटी 2.14 है। मैनेजमेंट बोल तो रही है कि बाय FY24 वो डेट फ्री हो जाएंगे, बट टिल देन इट इज अ बैड साइन फॉर मी। तो ये है सबका फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी इनका पूरा कंपैरेटिव ग्राफ आप देख सकते हो, सबसे बेस्ट तो ग्लोबल स्पिरिट्स ने किया, उसके बाद रेडिको खेतान। अब लिकर इंडस्ट्री को आप देख के बोलो कि हर्षा इतना मजा आया नहीं जितना मैं सोच रहा था, बिकॉज ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, एंड यू राइट। तो एक कंपनी जिसको आप इन्वेस्ट करना सोच सकते हो, सौरभ मुखर्जी कंपनी है एंड इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक। यू वॉन्ट टू नो विच दैट कंपनी इज, ये रही वीडियो, एंजॉय करो।